रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों पर छात्रों का जो बवाल बिहार से शुरू हुआ वो अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। इस मामले में पुलिस ने एक्शन भी लिया है। पुलिस बिहार में खान सर की क्लास नाम से मशहूर यूट्यूबर पर केस दर्ज किया है। खान सर पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा है। पटना से लेकर यूपी के प्रयागराज तक नौकरी की आग रेल में भड़की तो राजनीति उबाल मारने लगी। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार की जो मंशा है वो युवाओं को नौकरी देने की है ही नहीं। सरकार की जो मंशा है वो पद खत्म करने की है। शिक्षक पर केस करने की हिम्मत करते हैं तो पप्पू यादव पर आप क्यों नहीं करते? मैं तैयार हूँ और आपके खिलाफ बगावत की तैयारी भी करेगा। विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष का मुद्दा केवल अपराधवाद, केवल गुंडाराज। लेकिन इस सियासत के बीच एक तस्वीर आज पूरे देश में चर्चा में है और ये है खान सर। अब अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे लोग तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट। रेलवे बंद होगा क्योंकि रेलवे जो है और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं ना वो भी आप ऐसी समस्याओं को झेलेंगे आपके आने वाले। तेल से चिपके सिर पर बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बिल्कुल किसी आम साधारण सी छवि वाले इस चेहरे को अब हिंसा भड़काने का एक मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और वजह है ये वीडियो। जितने लोग हैं सब लोग ट्वीट कीजिए, अन्य एग्जाम वाले भी ट्वीट कीजिए, एयरफोर्स का भी एग्जाम अटका के रखा है सारे एग्जाम्स के लिए। हम लोग परेशान हो गए हैं। इस पहले क्या होता था, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, नौकरी, अभी क्या होता है ट्विटर कैंपेन, फिर पीटी, फिर ट्विटर, रिजल्ट दो, इस तरह से झमेला हो गया। मजबूरी में आदमी को ये सब बातें कहना पड़ता है। इंडिया का एक टीचर बोल दो जो इसके फेवर में है। वीडियो के आधार पर छात्रों को भड़काने के आरोप लगे तो प्रशासन ने खान सर वाले इस शख्स पर केस दर्ज कर लिया। जो लोग 5-6 लोग पकड़े गए थे उनके स्टेटमेंट के आधार पर, उनके पूछताछ में जिन लोगों का नाम बताया या जिन कोचिंग संस्थान का नाम बताया तो उसके आधार पर कुछ नाम उसमें आए हैं। जो हमको बताया गया है कि लगभग 6 संस्थान हैं या उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका नाम आया है और विशेषकर जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ही बताया है। और कुछ वीडियो फुटेज जो वायरल हुआ था तो उसके आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है। हालांकि डीएम से पहले एबीपी न्यूज से खुद आरोपी खान सर ने बात की और कहा, हमने भड़काया नहीं, छात्रों को समझाया था। हम लोग ने डिजिटल प्रोटेस्ट कराया था, 8 मिलियन ट्वीट थे ट्विटर पे, उस 8 मिलियन में मेरा एक ही ट्वीट होगा, आपको भी पता है। तो क्या अकेले कोई इंसान एक ट्वीट ही काफी होता है मिलियंस को आगे करने के? देखिए, अगर आप सच बोलेंगे तो ही आपके साथ लोग आएंगे। हम समझा रहे हैं लड़कों को, हम लोग रोक के रखे थे, मत जाओ मत जाओ। लड़का जब वहां पहुंच गया तब हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि लड़का पहुंच गया वहां पर। आखिर खान सर है कौन? GS रिसर्च सेंटर कोचिंग के संचालक, पटना वाले खान सर के नाम से मशहूर हैं। बिहारी अंदाज में GS के टॉपिक समझाते हैं। यूट्यूब चैनल पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। लेकिन जब तक भी सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स मायने रखता है और यही वजह है कि खान सर की क्लास में पढ़ाई कम, यूट्यूब के चैनल पर देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक पर वीडियो जारी किए गए जिन्हें लाखों लोगों ने पसंद भी किया और इसीलिए छात्र अपने खान सर को निर्दोष बता रहे हैं। आजकल डिजिटल जमाना है तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? यहाँ विद्यार्थी क्या करेगा, कोई टीचर का इसमें रोल नहीं है। ये जो हुआ था इसके पीछे, प्रोटेस्ट के पीछे सब बोला जा रहा है कि सर कहाँ था, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी टीचर का नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन ज्यादातर बोला जा रहा है, लेकिन इसमें किसी भी टीचर का हाथ नहीं है। सर देखिए, सच का साथ देना, सच बोलना गलत है तो सच बोलेंगे क्या समझे? और कभी भी जो उनका कोई भी ऑफिशियल वीडियो उठा के देख लीजिए, वो लड़कों को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं आंदोलन के लिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब खान सर का चैनल विवादों में आया हो। खान सर के असली नाम पर सोशल मीडिया में लंबे समय से बहस छिड़ी है। पंचर बनाने और एक समुदाय विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का विवाद भी हुआ था।
पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत मुद्दे पर भी एक विवाद खानसर को चर्चा में पहले लेकर आया था। आप एक लाठी चलाएंगे एक गोली तो पहली गोली पप्पू यादव के सीने में होगी। इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप शिक्षक पर से केस वापस लें। आप केस वापस नहीं लिए तो पप्पू यादव तैयार है जेल जाने को, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके देखिए। हालांकि यहां ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बिहार से यूपी तक जो हिंसा फैली है उसमें सिर्फ एक खान सर नहीं बल्कि कई कोचिंग संस्थान पर केस दर्ज हुआ है। मामला छात्रों से जुड़ा है, रोजगार से जुड़ा है, इसलिए जांच बिना किसी सियासी भेदभाव के आगे बढ़े तो सच्चाई सामने आ सकेगी। बीच में साथ देंगे क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं ना वो भी आपकी समस्याओं को झेलेंगे आपके आने वाले बच्चों। ABP News आपको रखे आगे।